छाप तिलक सब छीनी रे मुसे अच्छी बात है, अम्मा उसको भी खबर होनी चाहिए कितनी जिम्मेदारी है मेरे पे। खुदा खुदा करके तो मुझको एक नौकरी मिली है, अब्बा की खिदमत करनी है, जारा है सर पे। और अम्मा वो जो पैसे रखे हुए उनका क्या करना है, वो क्या हुआ उसका? पता है पागल हो गई है, हर माँ अपने औलाद के लिए कुछ ना कुछ जमा करके रखती है, वो तो मैंने भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। यार देख, मेरी सजेशन तो यही होगी कि तू शादी के बजाय भी मंगनी प्लान कर ले। मंगनी करेगा तो एक दो साल तो वैसे ही गुजर जाएंगे, उसके बाद देखी जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह कर कैसे सकते हैं, मुझसे पूछे बगैर ही मेरे निकाह की तारीख तय कर दी। ये मेरी सहेली है ना आसमा, डिजाइनर, ये मैंने उससे तैयार करवाया आपकी बहू के लिए। प्यारे है ना ये ब्राउन वाला, देखे ना प्यारा है ना, सेम ऐसा मैं बुरहान भाई के निकाह पे बनवाऊंगी। ठीक है, जरूर बेटा जरूर, अल्लाह मेरी बहू को पहनना नसीब करे। आमीन। जारा बेटा जी, हमारी बात हुई सही से? उनका फोन बंद आ रहा है। मैं फोन करूं? नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम ऐसा करो अबू के लिए चाय बना के ले। हाँ ऐसा करना, बुरहान से भी पूछ लो वो चाय पिएगा या नहीं। जी अम्मा। तुम सही से फोन कर बात करो, जब मिल जाए तो मेरी बात कराना, मैं खुद दावत दे दूंगा उसे। जी अम्मा। चल जा जा शाबाश। अल्लाह करे सईद कोई नया मसला खड़ा ना कर दे। अरे भाई जब कोई बात ही नहीं है तो क्यों मसला खड़ा करेगा, वो पागल है वो। अल्लाह से अच्छा अच्छा मांगना चाहिए। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अबू कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। इलाही खैर। आप ये लेने। अम्मा क्या हुआ, सईद भाई ने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? बेटा वो फोन ही नहीं उठा रहा, बंद जा रहा है उसका फोन। हाँ और फिर वो लोग कहते कि हमें कुछ बताते नहीं है। ओ परेशान मत हुआ कर साबरा, अल्लाह बेहतर करेगा। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने अपनी लाडली बेटी का हाथ उस कमजर्फ के हाथ में दे दिया था। लड़के का नाम? जी बुरहानुद्दीन सिद्दीकी। दूल्हा के वालिद का नाम? महबूब आलम सिद्दीकी। दुल्हन का नाम क्या? मेहरमा अब्दुल कादर। दुल्हन के वालिद? अब्दुल कादर मरहूम। हक मेहर कितना? शराई इंदु तलब। ठीक है जी, कागजी कार्रवाई तो कर दी है निकाह नामे की, अब आप लड़के को बुला लें ताकि निकाह शुरू किया जाए। जी अंकल काफी देर हो गई है, कहाँ रह गया बुरहान? और यार क्या बताऊं, देर तो होनी थी, वो तो आज भी अपने ऑफिस गया हुआ था, अभी अभी आया कमरे में तैयार हो रहा है। अपना जैन बेटा। जी अंकल। ओ बुरहान के कमरे में जा, देख तैयार हो गया तो उसे लेके आ, मौली साहब ने आगे भी कहीं जाना होता है। अपनी अनाए बेचे
प्यार की आग जले रे तो से नैना मिलाई के प्यार की आग जले रे तो से नैना मिलाई के नैना मिलाई के सपनों में आई के मुहे सुहागन की नीरे मुसे नैना मिलाई छाप तिलक सब चीनी रे मुसे नैना। वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े बनाए, बहुत खूबसूरत जोड़ा है। ये देखिए ये हमने सोने का सेट बनवाया है। अरे वाह अल्लाह पहनना नसीब करे है हमारी बच्ची को, अल्लाह और दे। ज़ारा जी सईद नहीं आए? जी उनसे रابطہ नहीं हो पा रहा। तो बेटा फोन करो ना उसे, ऐसे बड़े खुशी के मौके पर तो उसे होना चाहिए ना यहाँ पे, आखिर घर का बड़ा दामाद है ना। जी बहन आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या सारी दुनियादारी की जिम्मेदारी निभाना लड़की वालों का ही है? आखिर क्यों ज़ारा जिस तरह घर छोड़कर आई थी सईद को सब मालूम था, क्या सईद को खुद नहीं आना चाहिए था? उल्टा वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं तो कहती हूँ कि ये सारी चीजें सारी पट्टियां उसे उसकी माँ ने पढ़ाई होंगी। अरे नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, दुनियादारी क्या है क्या नहीं मैं तो इसलिए कह रही थी कि किसी और के मुंह से उसे पता चलेगा तो शायद अच्छा ना लगे। आप उसे खुद बुलाएंगी तो और बात है, कल को आप लोग ये तो बोल सकते हैं ना कि हमने तो तुम्हें बुलाया था, तुम खुद ही नहीं आए अपने अकलौते साले की शादी में। रविया बेटा बेटा जाओ जाके देखो मेहरमा तैयार हुई या नहीं, निकाह का वक्त हो रहा है। मिजाज ये देखे बहन ये जोड़ा है, ये सारे कपड़े ज़ारा ने अपनी एक डिजाइनर दोस्त से बनवाए। अरे पागल हो गई हो तुम, ऑफिस से फोन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और आहिस्ता बोलो यार तुम रोई जा रही हो चीख चीख के, लोग क्या सोचेंगे? कल शादी हुई हमारी और आज तुम मुझे ऐसे डांट रहे हो, मुझे करनी नहीं चाहिए थी शादी तुमसे। क्या पता नहीं क्यों अपनी रुखसती के वक्त पागलों की तरह रोने लग जाती, मुझे तो बिल्कुल भी रोना नहीं आया। अम्मा भी पता नहीं रो रो के अजीब सी हो रही थी, ऐसी भी क्या बात, दूसरे ही घर आ रही हूँ मैं, कौन से दूसरे मुल्क से आ रही हूँ। आज तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो। है ना मुझे पता है। अच्छा खैर तुम मेरे लिए तोहफे में क्या लाए हो? अरे मैं खुद आ गया हूँ तुम्हारे लिए, तोहफा क्या लेकर आता? राजिया के हस्बैंड ने उसको डायमंड का लॉकेट दिया था। वो अमीर लोग हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए हीरे जवाहरात नहीं है, लेकिन प्यार बहुत सारा है। मेहरू तोहफा लाया हूँ तुम्हारे लिए, मूड ऑफ मत करना। फोन किसका आ गया यार? हेलो सॉरी बुरहान साहब इस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब किया लेकिन बहुत अर्जेंट काम था। नहीं नहीं कोई बात नहीं बताइए। कल सुबह आप दुबई जा रहे हैं 2 दिन के लिए, सुबह की फ्लाइट बुक करा दी गई है आपकी। लेकिन देखिए आप तो जानते हैं मैडम का ऑर्डर है, वैसे भी शादी आपके दोस्त की है, आपकी तो नहीं। जी बेहतर थैंक यू। क्या हुआ? मुझे 2 दिन के लिए दुबई जाना है। कल क्या मतलब है 2 दिन के लिए जाना है? मतलब सिर्फ के 2 दिन के लिए जाना है, ऑफिस का ट्रिप है मना नहीं कर सकता, जाना बहुत जरूरी है।
अब तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें मनाने आऊंगा। ये खुशफहमी काफी अरसे पहले ही खत्म हो गई है मेरी। अब तो मैं नाराज भी नहीं होती। कभी नाराज हो ना तो खुद मान जाएगा, इसलिए कि मुझे मनाना नहीं आता। आजकल किसके पास इतना टाइम है कि रूठने और मनाने में अपना वक्त जाया करे। जिन्हें मनाना नहीं आता ना, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि किसी को रूठने भी ना दे। और जिसको बात बात पे रूठने की आदत है उसका क्या किया जाए। देखो भाई, मैं तो ऐसे ही हूं, बगैर सोचे समझे काम करने की मुझे आदत। जिंदगी कोई बारूदी स्वरूप कि हर कदम फूक फूक के रखा जाए। हाँ, अब तो यही लगने लगा है कि हमारी शादी भी बगैर सोचे समझे हुई थी, वरना अब तक कुछ ना कुछ सोच ही लिया होता। मुझे लगता है तुम्हें एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। तुम अपने अंदर की महरूमियों को छुपाने के लिए मुझे बुरा भला कहती रहती हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम याद रखना कि मैं तुम्हारी कोई भी कोशिश कामयाब होने नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं अपने अंदर एक मुकम्मल इंसान हूं। तुम सिर्फ अपने आप को देखो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें नहीं पता क्यों रो रही हूं मैं? जानता तो तुम फिर क्यों पूछ रहे हो जब जानते हो तो? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें रोते हुए देखना। मुझे तुम्हारा वही हंसता खिलखिलाता चेहरा पसंद है। तो ये अच्छा लग रहा है तुम्हें कि कल शादी हुई है और आज जा रहे हो छोड़ के? मजबूरी है मेहरू, अगर जरूरी ना होता तो मैं हरगिज ना जाता। मैं नहीं जानती कुछ भी, अपने ऑफिस कॉल करो, उनको बोलो कि मैं नहीं जा सकता। अरे पागल हो गई हो तुम, ऑफिस से फोन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आहिस्ता बोलो यार, तुम रो ही जा रही हो चीख चीख के, लोग क्या सोचेंगे। कल शादी हुई हमारी और आज तुम मुझे ऐसे डांट रहे हो। मुझे करनी नहीं चाहिए थी शादी तुमसे। मेहरू अब एक बात बताओ, चलो मैंने शादी कर ली है तो क्या अब मैं दुनिया का कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता? तुम कितने बदल गए बुरहान। अच्छा प्लीज मेरी जान, आई एम सॉरी। देखो सिर्फ दो दिन की बात है, दो दिन में मैं फटाफट काम निपटाऊंगा और वापसी आ जाऊंगा। अब मैं नीचे नाश्ते पे जा रहा हूं और तुम मुझे नाश्ते पे हंसते मुस्कुराते मिलनी चाहिए, ठीक है? कि फैमिली बैठी क्या सोचेंगे, शादी का दूसरा दिन है रो रही है। मुझे याद है जब अहमद शाह का रिश्ता आया था तो पापा ने इनकार कर दी थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं पाकिस्तान से कहीं बाहर सेटल हूं, लेकिन फिर अहमद शाह ने इतनी जिद की कि वो हार मान बैठे। बुरहान बेटा, बात समझ में नहीं आई, ये अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया तुम्हारा, और वो भी इतनी दूर जाने का? अचानक से प्लान नहीं बना बाबा, बात तो काफी अरसे से चल रही थी, कल ही पता चला है। बस दो दिन की तो बात है। बात तो दो दिन की है लेकिन अभी तो। अम्मा ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता है ना, दफ्तर में तो सबको यही पता है कि मैं दोस्त की शादी में बिजी हूँ।
चलो नौकरी है भाई, मजबूरी है, अब जाना तो पड़ेगा ना तुम्हें। नुसरत नहीं आई? बुलाया है, आती होगी अभी। और सच मेहरमा को बुलाया गया नहीं नाश्ते पर? कह दिया है, नई दुल्हने तैयार होकर ही आएगी ना। मेहरमा ने तो रो रो के आसमान सर पे उठा लिया है। वो तो ये समझ रही है ये 2 दिन के लिए नहीं 2 महीने के लिए जा रहा है। ला बिस्मिल्लाह, मेरी बहू रानी आ गई भाई। आजा बेटा आजा। वालेकुम अस्सलाम। रबिया बेटा, बहू के लिए जो मैंने डिश बनवाई है जल्दी से लेकर आओ, भाई की फ्लाइट है, दोपहर को भी पैकिंग भी करनी है। बेटा लो। मामी मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, मैं खा लूंगी बाद में। आप तो लीजिए। हाँ लेता हूँ। क्या हाल है फरा? आई एम गुड। तुम सुनाओ, अंकल का क्या हुआ, कैसे हैं वो? तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई है, मूड नहीं हो रहा था ऑफिस जाने का। मारुख, मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे लगता है कि उनकी बीमारी की वजह तुम। मारुख, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें ऐसे डिस्टर्ब देखकर उनकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। जानती हूँ फरहत, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? औलाद की तकलीफ ही तो माँ बाप के लिए बीमारी का बायस बनती है। मुझे याद है जब अहमद शाह का रिश्ता आया था तो पापा ने इनकार कर दी थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं पाकिस्तान से कहीं बाहर सेटल हूँ, लेकिन फिर अहमद शाह ने इतनी जिद की कि वो हार मान बैठे। और अहमद शाह को देखो, इतना खुदगर्ज आदमी है, आज तक पापा की खैरियत नहीं मालूम की। इंसान एक सीधे साधे शख्स के साथ तो जिंदगी गुजार लेता है, लेकिन एक झूठे चलाक और सेल्फिश शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। फिर भी तुमने इतने साल अहमद शाह के साथ गुजारे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम अंकल के सामने खुश रहा करो। और सिर्फ अंकल के सामने ही क्यों, तुम वैसे भी खुश रहा करो। तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्यों तकलीफ उठा रही हो, क्यों डिप्रेस हो रही हो एक ऐसे इंसान के लिए जिसको तुम्हारी परवाह ही नहीं? मैं कोशिश करती तो हूँ खुश रहने की फरहत, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना, कभी कभी मेरे बस में नहीं रहता। देखा कितनी जल्दी पैकिंग कर लिया मैंने, बस ये रहता है ये रख लूँ मैं। ये तुम सामान क्यों बांध रही हो, कहीं मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा अम्मी के जाने का इरादा तो नहीं बन गया अपने? अम्मी के घर क्यों जाऊंगी मैं, अम्मी के साथ तो बचपन से ही रह रही हूँ, अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। तो फिर बैग क्यों बांध रही हो? हद हो गई है, बैग इसलिए पैक किया क्योंकि हम जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम घूमने के लिए जा रहे हैं ना। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, मैं अपने काम के ट्रिप पे जा रहा हूँ, कोई घूमने थोड़ी जा रहा। क्या मतलब है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, मतलब हद हो गई है, मैंने सारी पैकिंग कर ली है। ये मत बोलना कि मैं नहीं जा रही क्योंकि मैंने जाना ही जाना। मेरू खुदा का वास्ता अब तुम रोना ना शुरू कर देना, कहते हैं जब शौहर घर से जा रहा हो ना तो उसको हंसते मुस्कुराते रुखसत करते हैं, वरना सारी जिंदगी रोना पड़ता है। ओ यार मैंने पहले भी बताया मैं काम से जा रहा हूँ, अब आ रहा है मुझे रोना तो क्या करूँ मैं? जानी सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन में काम निपटा के फौरन वापस आ जाऊंगा। रोना नहीं, रोना नहीं, मुझे आ रहा है रोना, मैं कैसे? सुनो मैं तैयार हो रहा हूँ और मैं तैयार हो रहा हूँ, तैयार होने जा रहा हूँ, मतलब बहुत होती है। सादरा, तुम क्यों रो रही हो भाई? वो 2 दिन के लिए ही जा रहा है मुल्क से बाहर, कोई हमेशा के लिए तो घर से रुखसत नहीं हो रहा।
मुल्क से बाहर पहली बार जा रहे हैं ना, क्या करूं? आंखों का पानी थमता ही नहीं है। अच्छा बेटे, खैर से जा बेटा, खैर से वापस आ। ओ भाई, तुम लोगों की बातें तो खत्म ही नहीं होनी। बुरहान की फ्लाइट ना मिस हो जाए। चलो शाबाश, चलो चल बेटा, आ जा भाई। आप क्यों ले आई है नाश्ता? मुझसे नहीं किया जाएगा। अरे खाओगी नहीं तो कमजोर पड़ जाओगी, और जब हानिया आएगा ना तो हमसे पूछेगा। मेरी बीवी का इतना भी ख्याल नहीं रखा तुम लोगों ने? मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का। अरे जब कोई मुसाफिर जाता है ना तो उसके लिए दुआ करते हैं कि वो खैर खैरियत से अपनी मंजिल को पहुंचे और उसकी वापसी सलामती से हो। अब ये रोना धोना छोड़ो और जल्दी से कुछ खा लो। शाबाश, खाओ। मेरा दिल नहीं कर। मैंने सोचा भी नहीं था कि आने के बगैर मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी। अच्छा जल्दी से पानी पी लो। शाबाश, रो मत। ये एक निवाला खा। एक बात पूछूं आपसे मैं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। कल तक मेरी शादी भी नहीं हुई हुई थी ना, आज शादी हो गई है तो हानि के बगैर है ना और भी मुश्किल लग रहा है मुझे। एक एक पल इतना मुश्किल लग रहा है उसके बगैर ना, वक्त गुजर ही नहीं रहा। मियां बीवी में मोहब्बत हो ना तो ऐसे ही लगता है, एक दूसरे के बगैर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको सईद भाई से मोहब्बत नहीं है? आप दोनों एक दूसरे के बगैर कैसे रह लेते हैं? मैं सोच रही हूँ आप कितनी उदास हो जाती होंगी ना। पहुंचा भी है कि नहीं? कॉल क्यों नहीं की अभी तक? सारा के ससुराल वालों का रवैया देखकर हम तुम्हारे लिए भी बहुत परेशान रहते हैं। मेरी तो दुआ है बेटा, जैसे अब तुम्हारी सास है ना, ऐसी हमेशा रहें। आपको सईद भाई से मोहब्बत नहीं है? आप दोनों एक दूसरे के बगैर कैसे रह लेते हैं? मैं सोच रही हूँ आप कितनी उदास हो जाती होंगी ना। क्या बात है, जब से आए हो कमरे में घुसे हुए। ससुराल गए थे क्या? माँ से सलाम दुआ भी नहीं की? मैं वहां क्यों जाऊंगा अम्मा, बस कल फोन पे बात हुई थी। अच्छा फोन पे बात हुई थी, ये आजकल की लड़कियों के चोंचले तो देखो। मियाँ से फोन पर बात कर ली बस, तुम्हें भी गवारा नहीं हुआ कि माँ को ही बता दो? अम्मी आप जानती हैं मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचते हैं। बुरा वक्त बोलकर नहीं आता बेटा, कब और किस पर आ जाए और तुम भी अपनी बीवी की जबान बोलने लग जाओ। ओहो अम्मी, मैं पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और आप हैं कि मुझे और ज्यादा तैश दिला रही हैं। अरे हुआ क्या है बताओगे भी? बुरहान का निकाह हो गया। क्या? बुरहान का निकाह हो गया? खूब रिश्ता निभाया है बेगम साहिबा ने मियाँ का।
एक इकलौता भाई और अपने मियाँ को ही नहीं बुलाया शादी पर। अरे अम्मी अब यहाँ हैं, मैं आपको कमरे में देखकर आई थी। बेटा तुम्हारे अब्बा आराम कर रहे थे, सोचा मैंने सब्जी काट ली। कहो क्या काम है? नहीं अम्मी, काम तो नहीं, बात करनी थी। कहो। वो आसिम आने का कह रहे थे। अरे झुक झुक आए, ये तो उनका अपना ही घर है बेटा। वो मुझे लेने आना चाहते हैं अपनी अम्मी के साथ। बेटियां जब ब्याह के ससुराल चली जाती है ना, फिर माँ बाप के घर आके चाहे जितना ही अरसा रह लें, रहती मेहमान ही है। तुम्हारे मियाँ के तो क्या ही कहने, लेकिन तुम्हारी सास भी भली औरत है। अल्लाह ऐसी सास सबको दे, पता नहीं मैं कैसी सास होंगी। अरे आप तो दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी माँ है। बहू से भी पूछ लेना। मेहरमा बहू थोड़ी है, वो तो इस घर की बेटी है और इसे बचपन से अपना घर समझती है। और वैसे भी अगर सास देखनी है ना तो ज़ारा की सास को देखो, उनकी तो आंखें भी बोलती हैं और हाथ भी। तौबा तौबा, अभी तक ज़ारा ने उनके साथ जितना भी गुजारा किया उसकी हिम्मत थी। ज़ारा के ससुराल वालों का रवैया देखकर हम तुम्हारे लिए भी बहुत परेशान रहते हैं। मेरी तो दुआ है बेटा, जैसे अब तुम्हारी सास है ना, ऐसी हमेशा रहें। ज़ारा के ससुराल वालों के रवैये ने तो मुझे बीमार कर दिया। माँ बाप की तरबियत का उस वक्त पता चलता है जब बेटियां मुश्किल वक्त में भी गुजारा करें। इंसान गरीबी में तो गुजारा कर लेता है, लेकिन जिस जगह इज्जत नफ्स को बार बार ठेस पहुंचाई जाए वहां गुजारा बहुत मुश्किल होता है। सच कहती हो बेटा, जहां रहना है वहां सहना है, और हमेशा घर बनाने में औरत ही का किरदार अहम होता है। औरत ही अपना घर बनाती है और औरत ही बिगाड़ती है। अच्छा चलो जाओ, जाके फ्रिज में देखो क्या कुछ रखा है। अब तुम्हारे मेहमान आएंगे तो उनके लिए पकाना तो होगा ना। जी अम्मी। मैं भी आ रही हूँ देखने। उन्होंने फोन किए थे, मैंने ही नहीं उठाया उससे। तुम पर तो ससुराल वालों ने जादू कर दिया है, तुम तो उनके खिलाफ कुछ सुनोगे नहीं। मगर मेरी बात सुनो, जब बात इतनी बिगड़ जाए, छोड़ने छुड़ाने पर तुल जाए, तो वहां फोन नहीं काम करते। उन्हें खुद आना चाहिए था, तुम्हें बुलाकर शादी पर ले जाना चाहिए था। मुझे तो डालो चूल्हे में, मुझसे तो कोई वास्ता है नहीं। तुम तो उस घर के बड़े दामाद हो ना, तुम्हें तो शादी में होना चाहिए था। हजारा बीबी, उससे लोगों ने नहीं पूछा होगा, अकेली घूम रही हो, कहां छुपाया है मियां को? उन्होंने बहुत सादगी से शादी की है। और सुनो, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी, तुम्हारी दो कौड़ी की इज्जत है अपने ससुराल में, ना जाया करो, ना बैठा करो, ना अपनी बीवी को भेजा करो। देख लिया तुमने नतीजा? नहीं सुनी ना तुमने मेरी बात? अब मेरी बात कान खोल कर सुनो, जाओ और जाकर अपनी बीवी को लेकर आओ। अम्मी मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, वो अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से वापस आएगी, यही उसकी सजा है। ये सजा नहीं, उसकी आजादी है, क्यों नहीं समझते हो तुम? मैं फैसला कर चुका हूँ, अव्वल तो वो इस घर की दहलीज पर पाँव नहीं रखेगी, और अगर आई भी अपनी मर्जी से और मेरी शर्तों पर। वो आएगी और जरूर आएगी, जिस ठाट से वो गई थी ना, दिखावा था सिर्फ। उसे पता था कि उसका मियां दुम हिलाता हुआ उसे मनाने जरूर आएगा। वो तो मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे? अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लोगे? उन्होंने तुम्हें फोन नहीं किया, शादी पे नहीं बुलाया, कैसे नहीं जाओगे? तुम्हारे दिल में जो समंदर ठाटे मार रहा है ना उसकी मोहब्बत के, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। जब तक मैं उसे बिठाकर चार बातें ना सुना दूं, मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। सुना तुमने? तो ठीक है, शाम को चला जाऊंगा। ठीक है, चाय पियो, ठंडी हो रही है। जी। जा रही हो? हाँ, आसिम का फोन आया था, वो कह रहे थे भाई की शादी क्या हुई, तुम तो अपना घर ही भूल गई। अम्मा कहती हैं जब बेटियों की शादी हो जाए तो वो अपने घर के लिए मेहमान होकर रह जाती हैं, और ज्यादा दिन लड़कियां अपने माँ बाप के घर अच्छी भी नहीं लगती। सारा, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। I'm sorry.
इसमें सॉरी की क्या बात है? जब हम खुश होते हैं तो दुख का हिसाब नहीं रखते। सारा प्लीज। कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, तुम्हें अब्बा बुला रहे थे। अच्छा, मैं कर लेती हूँ। ओके। अबू, मैं समझ गई हूं, जिन बेटियों की किस्मत उनका साथ नहीं देती ना, उन्हें समझ जाना चाहिए कि अब माँ बाप भी साथ नहीं रहे। सुनिए, ये मैंने कुछ सामान लिख दिया, ले आइएगा। ठीक है, मैं नमाज पढ़ लूं तो फिर ले आता हूँ जाके। रबिया कहाँ है? वो जाने की तैयारी कर रही है, जारा उसकी मदद करा रही है पैकिंग में। अच्छा है, जल्दी काम हो जाएगा। कितना अच्छा होता है जो जारा भी अपने घर चली जाए, जाए बस जाए अपने घर में। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो जाता हूँ कि हम ना रहे तो क्या होगा इस लड़की का। सारी आप ही की शय है। उसकी हिमाकतों को आपने खुले दिल से तस्लीम ना किया होता ना, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ किया था, मगर उस वक्त जो उसकी हालत थी उसको यहाँ बुलाना जरूरी था। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि अब वो वापस अपने घर ही ना जाए। मेरी तो कमर चुका दी है इस लड़की ने। अब देखे ना, जब सही से रिश्ता तय हो रहा था तो हमने देखा था, कोई ऐब नहीं था, अच्छा खासा खाता पीता कमाता था, पढ़ा लिखा था, दो दम थे आप और उसकी माँ, इतना बड़ा घर था। अब एक दो मुलाकातों में तो नहीं पता चलता ना कि बंदे की नीयत क्या है, उसके अंदर क्या है, उसका मिजाज कैसा है। बुलाया है मैंने उसे, उससे पूछे वो क्या चाहती है, उसे समझाएं, उसे बताएं कि हमें दुनिया माशरा और समाज सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अब्बू, अम्मी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली है। पहली बार नहीं हुआ, कई दफा हो चुका है। अब्बू, मैं समझ गई, जिन बेटियों की किस्मत उनका साथ नहीं देती ना, उन्हें समझ जाना चाहिए कि अब माँ बाप भी साथ नहीं रहे। नहीं नहीं जारा बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपने घर आबाद हो जाओ, खुश रहो। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद यहां रहना नहीं चाहती। ये भी बंद पड़ा हुआ है, चार्जर भी लगा देती हूँ। चार्जर कितने रख दिया मैंने? यहाँ पे भी नहीं है।
इक पैगी चन ताड़िया दिलो तू अजे भी ना आयो सजना है तू अजे भी ना आयो सजना इकी पैगी अम्मी हाय बढ़ गई तज्जा मुझे डरा दिया मुझे ही उल्टा डरा दिया आपने क्या हो गया है तुझे शादी हो गई क्यों अकल काढ़ छत से क्यों आड़ी दरवाजे से आ हाँ तो शादी हो गई तो इसका क्या मतलब है बंदा जीना ही छोड़ दे मैं क्यों बदलूं अपने आप को जैसी थी मैं बिल्कुल वैसी ही रहूं देख मेरी बात सुन आराम से बैठ के मेरी बात सुन ले अम्मा टाइम नहीं है मेरे पास मैं काम से आई थी ये जो तेरी जबान है ना कैंच की तरह तड़कु तड़कु तड़ चलती है तेरी माँ ही सुनती है ससुराल वाले नहीं सुनेंगे खैर ऐसी कोई भी बात नहीं है मेरे ससुराल में सब मेरे बोलने के मुंतजर होते हैं कि महरू कुछ तो बोले एक आप ही हैं जिसको मेरा कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता तोबा मेरे अल्लाह इस लड़की के पास सौ सौ जवाब है एक बात के मैं पागल हो जाऊंगी इस लड़की से ओ अच्छा हाँ बात सुने मैं वो चार्जर लेने आई थी पतली पिन वाला अपना किधर रखा है आपने मुझे क्या पता कहाँ है जाके खुद ही देख ले अम्मा मेरे फोन की बैटरी लो है बुरहान कॉल कर रहा होगा एक तो ना आप कोई चीज मेरी अपनी जगह पे रहने नहीं देती आऊं ढूंढू भी खुद ही सभी खुद ही करूं हाँ है ओ, नहीं नहीं इधर ही पड़ा साहब नहीं पड़ा ढूंढना नहीं पड़ा मुझे अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ शाम में आऊंगी मेरे लिए चिप्स और चाय बना के रखना ठीक है मेरी बात सुन उधर से कहाँ से जा रही है दरवाजे से जा आपकी सावड़ा बेगम छत पे खड़ी वहीं से आई थी वहीं से जाऊंगी हाय जी हो जी साबड़ा हो जी तू अल्लाह मलाई जोड़ी के ना कोड़ी सी बता पागली कट्ठी हो गई दोनों के दोनों सारा अगर अब्बा ने ऐसा कह दिया है कि लड़कियां शादी के बाद बोझ बन जाती हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने तुम्हें कहा है या तुम उन पर बोझ बन गई हो उनका मतलब बिल्कुल यही था कि अब मैं यहां ना रहूं सारा तुम बहुत सेंसिटिव हो मैं सच का सामना कर रही हूं इसलिए तुम्हें मेरी सोच सेंसिटिव लग रही है अम्मा ने भी यही कहा और अब्बा ने भी उन्होंने यही कहा है कि मेरी वजह से उनकी कमर झुक गई है मेरे लिए तो मर जाने का मकाम यही है सारा प्लीज बस करो ठीक है अब मैं नहीं बोलूंगी बिल्कुल नहीं बोलूंगी लेकिन मैं रहूंगी नहीं यहाँ पे अब ये क्या कह रही हो तुम अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है राबिया मैं कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन यहाँ यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी तुम गलत सोच रही हो अब्बा ने तुम्हारी तजलील नहीं की है ये तजलील नहीं है तो और क्या है राबिया बोझ हूं मैं उन पर दुनिया क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे हमारे मरने के बाद इस बेचारी का क्या होगा यही सुनती रहती हूँ मैं रोज ससुराल में रोज मुझे एक ही तारा सुनने को मिलता है कौन हो तुम तुम्हारी औकात क्या है जहेज में कुछ नहीं लाई अब उनको नया डाइनिंग टेबल चाहिए और कह रहे हैं कि जाके माँ बाप के घर से लेके आओ डाइनिंग टेबल अब मैं कहां से लेके आऊं रबिया हम किस दौर में रह रहे हैं जहां इंसानों की नहीं सिर्फ चीजों की कदर है मुझे नहीं रहना इस दुनिया में मुझे नहीं रहना साला भाई क्यों अपना सिर खपा रहे इसको कह रहे तो होती तो रोज रोज मेकर ना भेजता बेटी को ला के भाई क्या लेना है हद हो गई है लड़की दे दी जेज दे दिया और क्या जान लेनी तुमने माड़ी मैं ये सब बातें सुनने नहीं आया हानी का फोन नहीं आया उसको भी तो तौफीक नहीं ना और एक कॉल ही कर लेता बंदा तो तुम खुद कर लेती मैं क्यों करूं उसे नहीं पता कि मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं और अगर मैं अभी जवाब ना दे सकूं तो मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा दो दिन बाद आया हूं ऐसे ही जाने दो वैसे भी मेरे यहाँ रुकने का कोई खास फायदा तो है नहीं आपने ना मुझे मिस किया और जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरी कोई खास जरूरत भी नहीं होगी आपको